नाउ हियर वी विल सी समथिंग इन नॉलेज डेक्स कि जब भी हम दो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट्स को जो कि नॉन कंडक्टिंग है, न्यूट्रल है, अगर उनको एक दूसरे के अगेंस्ट में रब करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट्स जिसमें से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं उसमें पॉजिटिव चार्ज आता है, और जिसमें ये इलेक्ट्रॉन एंटर होते हैं उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इक्वल अमाउंट में ही ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, सो ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और यहाँ पे हम देख सकते हैं जो हमने एक्सपेरिमेंट अभी समझा है उसका ही यहाँ पे एक आपको डायग्राम दिया हुआ है कि आप कॉम देख सकते हैं और पीसेस देख रहे हैं। तो जब आप इसको ऐसे ही लेकर आते हैं, टेम्पररी लेकर आते हैं तो कुछ नहीं होता, लेकिन जब आप इसको अपने ड्राई हेयर पे रब करते हैं और उसके बाद में जब आप पीसेस को के पास जाते हैं तो ये अट्रैक्ट हो जाते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कि जो ग्लास रॉड है और सिल्क क्लॉथ है, इसका आपको दिखाई दे रहा है कि ग्लास रॉड है और सिल्क क्लॉथ को इसके अगेंस्ट में रब किया गया है। तो यहाँ पे जो ग्लास रॉड है इससे जो चार्जेस थे वो सिल्क क्लॉथ में चले गए, जिसलिए सिल्क क्लॉथ में नेगेटिव चार्ज आ गया और इसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया। नाउ एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलाम। ठीक है, तो कूलाम इसकी इलेक्ट्रिक इसकी एसआई यूनिट है और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल सी से। तो द यूनिट ऑफ चार्ज इज नेम्ड सो इन द ऑनर ऑफ फ्रेंच फिजिसिस्ट जिनका नाम था चार्ल्स अगस्टिन डी कूलाम। ठीक है, तो इन्हीं के नाम पर इसका इस यूनिट का नाम रखा गया कूलाम। ठीक है, देन अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि वन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अगर हम एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज की बात करें तो उसका उसके ऊपर चार्ज होता है -1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम, एंड प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो +1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम। तो आप देखेंगे कि दोनों में बिल्कुल इक्वल अमाउंट ऑफ चार्जेस हैं। ठीक है, इसलिए एटम को एज अ होल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बोला जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे 1 कूलाम ऑफ चार्ज इज इक्वल टू कितना हो गया, चार्ज पजिस्ड बाय 6.25 × 10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन्स पर प्रोटॉन्स। राइट, सो ये यहाँ पे आपका वैल्यू निकल के आ गई है। ठीक है, अब हम देखेंगे कंडक्टर्स क्या होते हैं और इंसुलेटर्स क्या होते हैं। तो जो सब्सटेंसेस हैं अगर हम उनमें इलेक्ट्रॉन के फ्लो के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखते हैं तो हम उनको दो में कैटेगराइज कर सकते हैं, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। वो सब्सटेंसेस जिनके थ्रू इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होता है उनको कंडक्टर्स बोला जाता है। ठीक है, तो जहां पे हम देखेंगे कि द फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिक जो चार्ज का फ्लो होता है इसको इलेक्ट्रिक सिटी बोला जाता है, और वो कंडक्टर्स वो सब्सटेंसेस जिन जो अपने थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं उनको कंडक्टर्स बोला जाता है। ठीक है, तो हम फिर से देखेंगे कि वो सब्सटेंस जिनके थ्रू इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो कर सकते हैं उनको कंडक्टर्स बोलते हैं, और फ्लो ऑफ चार्ज को इलेक्ट्रिक सिटी बोलते हैं, और जिन सब्सटेंसेस के थ्रू इलेक्ट्रिक सिटी पास होती है या फ्लो होती है उनको कंडक्टर्स बोला जाता है। एग्जाम्पल में देखेंगे मेटल्स के एग्जाम्पल दिए हैं, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, निकल, टिन, और इसकी तरह और भी मेटल्स हैं जिनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है तो इनको कंडक्टर्स बोला जाता है। ह्यूमन एंड एनिमल बॉडीज आर एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स, हम लोग भी हम लोग के इसलिए हम लोग को करंट लगता है क्योंकि हमारे थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, फ्लो हो सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट कैटेगरी आ गई वो सब्सटेंसेस जिनके थ्रू इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो नहीं करते हैं उनको इंसुलेटर्स बोला जाता है। तो ये वो सब्सटेंसेस होते हैं जो अपने थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने नहीं देते हैं तो इनको इंसुलेटर्स बोला जाता है। एग्जांपल में देखेंगे ग्लास है, पोर्सलिन है, प्लास्टिक, रबर, वुड, नायलोन, ये सारे जो एग्जांपल्स हैं वो इंसुलेटर्स के हैं और इनके थ्रू करंट पास नहीं होता है। देन वी विल सी इलेक्ट्रिक करंट, वॉट इज इलेक्ट्रिक करंट। तो हम लोग इस टर्म से फेमिलियर हैं, वाटर करंट हमको पता है, एयर करंट हमको पता है, फ्लो ऑफ वाटर थ्रू रिवर और कैनल। तो अगर पानी का जो फ्लो है रिवर और कैनल के थ्रू जाता है तो हम उसको वाटर करंट बोलते हैं। विंटर सीजन में ठंडी हवाएं जो माउंटेनियस रीजन से प्लेन रीजन में नॉर्थ इंडिया में आती हैं वो एक एयर करंट को फॉर्म करती हैं। उसी तरह से जब इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करता है किसी भी कंडक्टर के थ्रू, ठीक है, मे बी अ मेटेलिक वायर, तो वो कॉन्स्टिट्यूट करता है इलेक्ट्रिक करंट, उसको इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। तो अगर हम सर्किट में देखें, एक सर्किट है जिसमें मेटालिक वायर्स लगे हुए हैं और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है तो वो कॉन्स्टिट्यूट करता है फ्लो ऑफ चार्जेस को, और यूजुअली फ्लो ऑफ चार्जेस कॉन्स्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है उसी को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रिक करंट बोला जाता है। तो यहाँ पे हम डेफिनेशन देखेंगे, डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैथमेटिकली हम इसको अगर डिफाइन करेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कंडक्टर इज एक्सप्रेस बाय अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर
इन यूनिट टाइम, यानी कि अगर मैथमेटिकली हम इसको डिफाइन कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक करंट वो है जो किसी कंडक्टर के थ्रू एक्सप्रेस होता है, या वो अमाउंट ऑफ चार्ज है जो उसके थ्रू फ्लो होता है थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर. ठीक है, कंडक्टर का जो क्रॉस सेक्शन है उसके थ्रू पर यूनिट टाइम में जो चार्ज फ्लो होता है उसी को इलेक्ट्रिक करंट बोला जाता है. तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इसका ऑल्टरनेटिव डेफिनेशन है, एन इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज अ टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. तो कितना टाइम पीरियड में इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो होता है उसी को इलेक्ट्रिक करंट बोला जाता है. तो यहाँ पे हम देखेंगे इफ क्यू चार्ज फ्लो थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, एक कंडक्टर है जिसमें क्यू चार्ज फ्लो कर रहा है उसे क्रॉस सेक्शन के थ्रू टी टाइम में, और इलेक्ट्रिक करंट आई उसमें से फ्लो हो रहा है थ्रू द कंडक्टर. तो इसको हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज अ करंट एंड दिस इज अ डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ करंट. ठीक है, तो इसका डायरेक्शन भी आप देखेंगे कि जहां पे करंट फ्लो हो रहा है उसी डायरेक्शन में चार्ज को भी दिखाया हुआ है फ्लो करते हुए. तो यहां हम देखेंगे करंट आई इज इक्वल टू चार्ज फ्लो डिवाइडेड बाई टाइम, तो आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी. ठीक है, तो ये इसका एक्सप्रेशन यहाँ पे बन गया है. देन वी विल सी एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट क्या है, इट इज कॉल्ड एम्पियर, और इसको कैपिटल ए से डिनोट किया जाता है. इट इज नेम्ड आफ्टर द फ्रेंच साइंटिस्ट एंड्री मैरी एम्पियर के नाम पर, इसका नाम एम्पियर रखा गया. ठीक है, इस यूनिट को एम्पियर बोला गया जो कि इलेक्ट्रिक करंट की है. और इफ इन रिलेशन 8.1, अगर हम 8.1 में अगर इसमें वैल्यूज हम डालते जाएं, चार्ज फ्लो इज इक्वल टू Q1 कोलाम कर देते हैं, टाइम इज इक्वल टू 1 सेकेंड कर देते हैं, और करंट फ्लोइंग इज कॉल्ड 1 एम्पियर. तो क्या हो जाएगा, करंट का 1 एम्पियर डेट इज 1 कैपिटल A इज इक्वल टू 1 कोलाम, यानी कि 1 C अपॉन टाइम लिखना है 1 सेकेंड, और 1 S इज इक्वल टू कितना हो गया 1 कोलाम सेकेंड इनवर्स 1. ये आपकी इक्वेशन नंबर 8.2 हो गई. दस 1 एम्पेयर क्या है, 1 एम्पेयर वो इलेक्ट्रिक करंट है जो कि कॉन्स्टिट्यूट होता है बाय द फ्लो ऑफ 1 कोलाम ऑफ चार्ज जो कि पर सेकेंड फ्लो होता है थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर. राइट, नाउ वील स्टडी अबाउट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट का क्या डायरेक्शन होता है, तो जो सर्किट जिनके अंदर मेटालिक वायर होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है वही इलेक्ट्रिक चार्जेस का फ्लो होता है. तो फिर भी जब इलेक्ट्रिसिटी फेनोमेनन को डिस्कवर किया गया था पहली बार, तो उस समय इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी नहीं हुई थी, तो साइंटिस्ट इलेक्ट्रॉन्स के बारे में नहीं जानते थे. तो उस समय में, ठीक है, उस समय में इलेक्ट्रिक करंट को कंसीडर किया गया था कि उसका जो रेट है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज का जो रेट ऑफ फ्लो है और जो डायरेक्शन है पॉजिटिव चार्ज के फ्लो का जो डायरेक्शन है उसी को कंसीडर किया गया था कि वही डायरेक्शन होता है इलेक्ट्रिक करंट का. तो इस तरह का जो करंट है जिसमें हम बोल रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज का फ्लो और उनके चार्ज का फ्लो का जो डायरेक्शन है वही इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन है, तो इस तरह का जो करंट है उसको बोला गया कन्वेंशनल करंट. राइट, तो नाउ वी नो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है. तो क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन्स में नेगेटिव चार्ज होता है तो जो कन्वेंशनल करंट है उसका जो डायरेक्शन होगा वो ऑपोजिट होगा इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के डायरेक्शन के. ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इसमें कि ये आई इज दिस इज रिप्रेजेंटिंग कन्वेंशनल करंट, और अगर इसका डायरेक्शन राइट साइड में जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स का जो डायरेक्शन है यानी कि नेगेटिव साइंस का जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट साइड में जा रहा है, लेफ्ट साइड में जा रहा है. तो कन्वेंशनली क्या हो गया, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज. तो यहाँ पे देखेंगे जो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन है, ठीक है, वो डायरेक्शन किसका है, फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज. या तो हम ये बोल सकते हैं या फिर हम ये बोल सकते हैं द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज. ठीक है, क्योंकि वो नेगेटिव चार्ज के ऑपोजिट में है, और नहीं तो वो पॉजिटिव चार्ज के साथ में है. ठीक है, सो हाउ एवर इट मस्ट बी नोटेड हियर क्लियरली दैट इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी. तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी. सो स्केलर क्वांटिटी मीन्स इस इलेक्ट्रिक चार्ज में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है लेकिन कोई डायरेक्शन नहीं होता है. नाउ हियर वी विल सी कि क्या मैकेनिज्म है जिसके थ्रू मेटेलिक वायर में करंट फ्लो होता है. तो यहाँ पे हम देखेंगे कि एक कंडक्टिंग मेटेलिक वायर है और इसके अंदर बहुत सारे, आप देखेंगे बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनको हम कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, और ये हर एक पॉसिबल डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं. देख रहे हैं रेंडमली ये मूव कर रहे हैं, तो इनका पर्टिकुलरली कोई एक डायरेक्शन नहीं है. अब क्योंकि
कोई भी नेट फ्लो इलेक्ट्रॉन्स का नहीं है और किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ये फ्लो नहीं कर रहे हैं, इसलिए इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा इस वायर के थ्रू। अब क्या करेंगे, अगर हम इस कंडक्टर के एंड्स में, इसके एंड्स को अगर हम एक सेल से कनेक्ट कर देंगे, ठीक है, तो अब ये एक कनेक्शन में आ गया है, तो अब क्या होगा कि इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक फोर्स को फील करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे, और उसकी वजह से ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करने लगेंगे। तो इस तरह से क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन है अब एक सिस्टमैटिकली ये नेगेटिव पॉइंट से पॉजिटिव पॉइंट या फिर नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ ये मूव करने लग जाएंगे और इसमें एक करंट सेटअप हो जाएगा, सर्किट के अंदर करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो जो ये डायरेक्शन है ना, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ कन्वेंशनल करंट, यानी कि इसकी बात कर रहे हैं आई की, इसका जो डायरेक्शन होगा वो ऑपोजिट होगा जो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव जा रहे हैं तो जो करंट है वो राइट साइड में मूव कर रहा है, ठीक है, ये लेफ्ट साइड में मूव कर रहे हैं तो ये राइट साइड में, यानी कि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा, ये हमको ध्यान रखना है। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोन, तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं उसके बेसिस पे हम देख सकते हैं इलेक्ट्रिक का क्या मैग्नीट्यूड है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि नेगेटिव चार्ज, मान लेते हैं कि नेगेटिव चार्ज हर एक इलेक्ट्रॉन पे जो है उसका मैग्नीट्यूड हम स्मॉल ई मान लेते हैं, जहाँ पे ई की वैल्यू 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम है। अगर एन इलेक्ट्रॉन यूनिफॉर्मली क्रॉस सेक्शन एरिया से फ्लो कर रहे हैं एक कंडक्टिंग वायर के टी टाइम में, तो टोटल चार्ज जो कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन के थ्रू पास होगा वो क्या होगा, क्यू इज इक्वल टू एन ई, इलेक्ट्रिक करंट आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, दैट इज इक्वल टू एन ई अपॉन टी, ठीक है, ये हम ऑलरेडी पहले ही देख चुके हैं। तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर के थ्रू पास होंगे एक टी टाइम में ताकि वो करंट के फ्लो को मेंटेन करें, तो उसके एक्सप्रेशन कैसे देंगे, एन इज इक्वल टू आई टी अपॉन ई, तो यहाँ पे हम करंट की वैल्यू 1 एम्पियर ले लेते हैं, टाइम को 1 सेकेंड ले लेते हैं, तो हम अगर यहाँ पे वैल्यू को पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एन इज इक्वल टू 1 × 1 डिवाइडेड बाई ई की वैल्यू हमको ऑलरेडी 1.6 × 10⁻¹⁹ दिया हुआ है, हम यहाँ पे रख देंगे, तो हमको जो वैल्यू निकल के आएगी, जो मैग्नीट्यूड एक इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू आएगा वो निकल के आएगा 6.25 × 10⁻¹⁸। तो हम क्या कह सकते हैं कि 6.25 × 10⁻¹⁸ करंट्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं जो फ्लो करते हैं हर सेकेंड किसी भी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन से, जो कि कंस्टिट्यूट करते हैं 1 एम्पियर ऑफ करंट को, राइट। मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट को हम कैसे मेजर कर सकते हैं, हम मेजर कर सकते हैं थ्रू एमीटर, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच यू कैन मेजर द इलेक्ट्रिक करंट। तो एमीटर मेजर करता है इलेक्ट्रिक करंट को जो कि सर्किट में फ्लो करता है डायरेक्टली इन एम्पियर्स और फ्रैक्शन ऑफ एम्पियर्स, ठीक है, एम्पियर्स और एम्पियर्स के फ्रैक्शन में इलेक्ट्रिक करंट को एमीटर सर्किट में मेजर कर सकता है। तो आप यहाँ पे फिगर देख सकते हैं, दिस इज अ फिगर ऑफ एमीटर, और एमीटर में जो ए है ना, दिस इज एन एमीटर ए, इसको ए जो कैपिटल है ये एमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमेशा सीरीज में कनेक्टेड रहता है, आप देख सकते हैं।